हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। आज हम आपके लिए, अपने छात्रों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए एक सेशन लेके आए हैं। एक ऐसे स्टूडेंट से बातचीत होगी जिन्होंने पिछले साल यानी 2020 में जितनी भी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी, उन सब में अव्वल रहे थे और सब में टॉप पोजिशन प्राप्त करने के बाद उन्होंने अब फाइनली अभी बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जेई मेन परीक्षा में जो जनवरी में उन्होंने दिया था, उसमें उनकी क्या स्ट्रेटजी रही, क्योंकि अभी पिछले साल जो जनवरी मेन में परीक्षा हुई थी, वह परीक्षा इस साल फरवरी में हुई है पहली, और आज रिजल्ट की उम्मीद है कि आज रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद छात्रों की क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से ऐसे छात्र होंगे जिनको जेई मेन की बाकी परीक्षाओं पर फोकस करना चाहिए, और कौन से ऐसे छात्र होंगे जिनको कि जेई मेन की चिंता छोड़ करके और एडवांस पे अपना सारा फोकस कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हर से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि आपको हर से इंट्रोड्यूस कराऊं, आपको बता दूं कि हर्ष ने पिछले साल ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो मैथमेटिक्स का मक्का मदीना समझा जाता है और एशिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट में गिनती होती है, उसमें भी इन्होंने अव्वल स्थान हासिल किया था। और इसके अलावा इन्होंने IIT जेई मेन और एडवांस में भी अच्छे रैंक ले आए थे। जेई मेन के रैंक के आधार पर पूरी इंडिया में किसी भी NIT में एडमिशन हो सकता था, IIT में भी इनका एडमिशन हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बिट्स पिलानी क्यों चुना, उन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले हर्ष को आमंत्रित करते हैं। हर्ष, स्वागत है तुम्हारा और बहुत बहुत बधाई तुम्हारी सक्सेस के लिए। हाँ, तो ये बताओ कि पिछले साल जनवरी मेंस की जो परीक्षा आपने दी थी, उसमें आपकी कितनी परसेंटाइल आई थी और आपने उसके बाद क्या स्ट्रेटजी रखी मेंस और एडवांस के रिलेटेड? जनवरी मेंस में मेरी 99.6 परसेंटाइल आई थी। नहीं, बोलो। मेरा जो गोल था कि लाइक PTU एंड NIT उसके स्कोर पे मिल जाएगा, इसलिए अब मेरा जो गोल था कि जनवरी मेंस में उसका अच्छा स्कोर करना है, ताकि दूसरे मेंस की जरूरत ना पड़े। तो पहली फोकस ये थी कि भाई किसी तरह से अगर IIT एडवांस इनकेस ना हो तो सेफ साइड में हर्ष ने ये किया कि NIT में हो जाए, और दिल्ली से हैं तो DTU, NSIT और IIIT दिल्ली टाइप मिल जाए। तो इसके लिए इनकी प्रारंभिक गोल था, प्राइमरी गोल था, और प्राइमरी गोल अचीव हो गई क्योंकि इतने परसेंटाइल पे दिल्ली में मिल जाना श्योर था। तो इन्होंने अपनी फोकस रखा कि एडवांस की प्रिपरेशन की जाए। तो जेई मेन की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी बेसिकली, आपको क्या अभी सलाह दोगे बाकी छात्रों को कि उनको कितने परसेंटाइल तक आए तो उन्हें जेई मेन को दोबारा देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उनको एडवांस पे फोकस करना चाहिए, या कितने से कम आए तो उनको फिर से जेई मेन के लिए प्रयास करना चाहिए, एडवांस को छोड़ देना चाहिए? 9% के बाद आप कम हो सकते हो कि आप एडवांस की तैयारी शुरू कर दो और उस पर ज्यादा फोकस करो। तो कहत का कहना है कि 99% तक जिन बच्चों के आए, उनको मेन की चिंता छोड़ करके और एडवांस पर फोकस करना चाहिए, और जो इनकी 99% से कम है, उनको अच्छे कॉलेज या सब्जेक्ट चुनने में दिक्कत हो सकती है, उसको उन लोगों को एक बार और मेन देने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर फोकस करनी चाहिए, ताकि कम से कम ये सेफ साइड और सेफ पोजिशन और सेफ स्कोर कर सके। ठीक है, एडवांस की तैयारी के दौरान बच्चों की जिनकी मेन मान लो कंफर्म हो जाए अभी और उनको 99% से ऊपर आ जाए, तो ऐसे बच्चों को एडवांस की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मेंस और एडवांस में
बेसिक कंसेप्ट तो ये, कुछ टॉपिक एड ऑन होते हैं और जो आगे के कंसेप्ट वो क्वेश्चन करने से आएंगे, वो ऐसे नहीं होंगे। बाकी बहुत से छोटे मोटे टॉपिक तो डिलीट होते हैं, जो मेन होते हैं एडवांसमेंट, उसके बाद हम फोकस करने की जरूरत नहीं। मेनली ये टेस्ट लेते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, जो जेई से पहले जैसे तैयारी कर रहे थे वैसे ही जेई के बाद करना है, बस क्वेश्चन का लेवल बढ़ना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत इम्पोर्टेंट सजेशंस है कि जेई मेन और एडवांस के सिलेबस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़े से ही एडिशनल टॉपिक होते हैं। वैसी स्थिति में टेस्ट देना चाहिए ताकि नए नए क्वेश्चन से इंट्रैक्शन हो और उसको इनकाउंटर करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सोचने के लिए आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो। तो एडवांस की तैयारी करने के लिए मेन की परीक्षा के बाद मूल रूप से टेस्ट बहुत ज़्यादा देने चाहिए, यही कहना चाहते हैं आप? ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को जेई मेन में 99% से कम आया उनको क्या करना चाहिए, उनको किस तरह से अपनी दूसरी मेन की तैयारी करनी चाहिए, उनको कौन से एरिया है जहां पे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और वहां पे जनरली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, उन पे उनको फोकस करनी चाहिए? तैयारी करनी है तो एडवांस के पेपर ये नहीं है साइड बाई साइड लेवल बढ़ाना है, बट मेंस का भी ध्यान देना है कि उसके भी पेपर क्लियर हो। तो ठीक है, तो ये है फिजिक्स में क्या बताना चाहेंगे, कुछ स्पेसिफिक टिप्स जिससे कि फिजिक्स या मैथ में बच्चों को ध्यान देना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और वहाँ बच्चे जनरली इग्नोर करते हैं या ध्यान उनका नहीं जाता? फिजिक्स और मैथ एडवांस के हिसाब से इट्स नॉट गारंटीड कि कोई भी चैप्टर हम कितने सक्सेसफुल होते क्वेश्चन कर ही लोगे, बट स्टिल प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यही होगा कि क्वेश्चन कभी भी ये नहीं होने वाला कि रिपीट हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा जो वो नया ही होगा, वो पहले कभी देखे नहीं देखा होगा, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन करने से ही दिमाग शुरू करेंगे शुरू करेगा, जिसकी वजह से नया क्वेश्चन जो टैकल कर सकते। थॉट प्रोसेस, इनडीड थॉट प्रोसेस डेवलप होगा जिससे नया क्वेश्चन सोचने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट? अच्छा, ये बताओ कि आपने जेई मेन में इतने अच्छे रैंक प्राप्त किए और फिर जेई एडवांस में भी एक अच्छी आईआईटी की रैंक आई, फिर आपने आईआईटी में एडमिशन ना लेकर के बिट्स पिलानी क्यों चुना? बाकी आईआईटी के से ज़्यादा बढ़िया बेट था और कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि आईआईटी से कुछ और अपग्रेड की ट्राई करो, पर इतना लाइक वर्क की वजह से आप एक्सपेक्ट स्ट्रीम करनी है तो कॉलेज तो उतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप बोले लाइटी। तो इन्होंने कॉलेज के बजाय सब्जेक्ट को प्रेफर किया, कॉलेज आईआईटी में टॉप आईआईटीज में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे टाइप से इनको नहीं मिला कंप्यूटर साइंस, तो इन्होंने सोचा कि भाई दूसरे स्ट्रीम में ले करके आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे पढ़ने के बजाय उसी स्ट्रीम को चुनो जिसमें पढ़ना है, और इसलिए इन्होंने बिट्स पिलानी चुना। बिट्स पिलानी में, हालांकि बिट्स पिलानी बहुत अच्छा है, तो बिट्स पिलानी और डीटीयू एनएसआईटी इन सब में आपने बिट्स पिलानी क्यों चुना, क्यों नहीं आपने डीटीयू चुना या एनएसआईटी चुना, इस तरह का जो दिल्ली बेस्ड है, दिल्ली में है, ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होता क्या, आपने इनको क्यों नहीं चुना, पिलानी क्यों चुना? वही होंगे जिनकी आई आई टी हो चुकी है बट सी एस सी करनी थी इसलिए वो लोग वहाँ गए हैं,
तो एक सब्जेक्ट एक कोडिंग कल्चर नाम की चीज़ होती है जो कॉलेज में होती है, वो वहाँ। अच्छा, दूसरा रीजन, दूसरा कोई रीजन, आप दो तीन रीजन बता रहे थे, और कोई रीजन है जो? हॉस्टल नहीं मिलता एंड कॉलेज में लाइक थोड़ा भी एंजॉय करने के लिए हॉस्टल भी चाहिए था। अच्छा, हॉस्टल चाहिए एंजॉय करने के लिए, इसलिए डीटीयू घर के पास है और वहाँ पे हॉस्टल मिलता नहीं, तो इसलिए इन्होंने इन्होंने बाकी प्रोफेसर लोगों से भी बात करी है, बच्चों से बात करी। ट्रिपल आईटी दिल्ली, नो डाउट वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट इन दिल्ली और बहुत फास्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है, बट स्टिल वहाँ पे वर्क कल्चर जो है वो बहुत हेक्टिक है। बच्चों को अपनी थिंकिंग के लिए या पर्सनल ग्रोथ के लिए समय बहुत कम मिल पाता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इस बात से ट्रिपल आई टी दिल्ली न चुन के कोई और ऑप्शन तलाशते हैं। अच्छा, फीस के लेकर के बड़ी सारे कॉन्स्टेंट होती है कि बिट्स पिलारी में फीस बहुत ज़्यादा है और डी टी वगैरह में, इसलिए कई सारे बच्चे बिट्स पिलारी जाने से कतराते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं होती कि वो जा कर के बिट्स पिलारी में पढ़ सके। 6 लाख रुपया लगभग साल का लगता है, तो ऐसी स्थिति में क्या फीस बहुत बड़ा क्राइटेरिया है या कुछ पैकेज के हिसाब से फीस बहुत ज़्यादा नहीं है जो पैकेज अवेलेबल होते हैं नौकरी के लिए? लाइक आप 1-1.5 साल के अंदर 1 साल और बाकी 3 सालों में कभी 2 साल के अंदर आप सबसे पूरी फीस कमा सकते हो ऑफिस। बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप वगैरह की स्कीम है उसमें तो, और लोन भी मिल जाते हैं, प्लस एलुमनाई भी सपोर्ट करते हैं, तो उतना दिक्कत होती नहीं है। यानी कोई चाहे तो पिलानी में लोन ले सकता है, इवन दो कि प्राइवेट कॉलेज है लेकिन लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, वन ऑफ द रिप्यूटेड कॉलेज है एशिया का, इवन वर्ल्ड का, तो इसलिए उनको लोन मिल जाता है और फीस जो है पैकेज के हिसाब से फीस की रिकवरी हो जाएगी। यानी शुरुआत में ज़्यादा फीस बेशक लगता है लेकिन नौकरी मिलने के बाद जो है वो रिकवरी बड़ी 1-2 साल के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो बाकी आप और जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके अभी इस साल 12th में जाएंगे, उनको शुरुआत से क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए, क्या गोल सेटअप करना चाहिए, कुछ आइडिया देना चाहेंगे? अच्छा, एक बात और, जो बच्चे अभी 10th से 11th में जाएंगे उनके लिए क्या बताओगे कि उनको शुरू से किस तरह से अपनी स्टडी रखनी चाहिए अगर उनको इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना है तो? ऐसा नहीं कि थोड़ा ब्रेक ले लिया, एक तो मैंने बहुत हेक्टिक कर लिया, तो रेगुलरली उसमें 11th में रहूँ एंड टेस्ट वगैरह सीरियसली दो, ये नहीं कि लाइक स्कूल है, थोड़ा स्कूल थोड़ा सा पीछे रह सकता है 11th में, सीरियसली सबको हैंडल हो गई है 11th में, थोड़ा सा अगर स्कूल में ग्रेड कम आए तो ठीक है। अच्छा, यानी स्कूल को थोड़ा एवरेज रखते हुए कंपटीशन पे आप थोड़ा फोकस ज़्यादा रखें, जिन बच्चों को एक्चुअली में जाना है उनको इस बात का पता भी चल जाता है कि उनकी लेवल क्या है, वो कोप अप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज़ और पूछना था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आपका हुआ था चयन, तो आपने उधर स्पेस साइंटिस्ट या स्पेस रिसर्च में जाने की क्यों नहीं सोची? इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पे?
अच्छा, जो शुरुआत में हमने इंट्रो में कहा था यहाँ पे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में जिसमें एक ड्रीम होता है सबका पढ़ने का, और उसमें आपका सिलेक्शन हुआ, उसमें आप क्यों नहीं गए? बट वो फिर 5 साल का कोर्स है, थोड़ा स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी कि आईएसआई ऐसे तो गिने चुने देश में लोग मिल जाएंगे आईएसआई से पढ़े लिखे, क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट होता है और बहुत कम सीट होती है। कई लोगों का मानना है कि आईआईटी जेई एडवांस से भी ये टफ एग्जाम है, क्योंकि इसमें पूरी इंडिया में 49 सीट्स है जिसमें जनरल के लिए लगभग 25 सीट अवेलेबल होते हैं, उसमें से भी कुछ सीट जो होता है वो जो नेशनल ओलंपियाड या इंटरनेशनल ओलंपियाड विनर होते हैं उनके लिए उनको रिटर्न से वेव अप कर देते हैं, यानी 7-8 सीट लगभग हर एक साल रहती ही रहती है उनके लिए रिजर्व, मतलब उनको रिटर्न नहीं देना पड़ता है। तो जो थोड़े से सीट होती है उसमें सिलेक्शन बहुत टफ होता है। हर्ष का उसमें सिलेक्शन हुआ था और सिलेक्शन के बावजूद भी इन्होंने वहाँ पे परस्यू नहीं किया, क्योंकि इनका पैशन है कोडिंग। आगे की क्या योजना है, आप क्या चाहते हैं कि किधर जाना चाहेंगे, क्या कुछ संभावनाएं, जो कुछ योजना आपने मन में बनाई हो, सिविल सर्विसेज की तरफ या कोडिंग में ही रहना चाहते हैं, कंप्यूटर में करियर बनाना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं, क्या योजना है अभी तक आपकी? देख रहे हैं कि किस किस फील्ड में कंप्यूटर कोडिंग कंप्यूटर होता है, क्या क्या फील्ड है, बैक एंड फ्रंट एंड, और किस किस स्पेसिफिक है, सब में थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा पसंद है ज्यादा। सिविल सर्विसेज की तरफ जाने की कोई संभावना है? अच्छा, अभी कॉलेज ना जाने का, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है कोरोना की वजह से, तो आप भी घर पे ऑनलाइन ही कर रहे होंगे, कॉलेज ना जाने का मलाल? अच्छा ठीक है, जिसकी हॉस्टल की फैसिलिटी की वजह से जाना चाह रहे थे वो मिला नहीं मौका। ठीक है, क्या उम्मीद है कब तक आप लोगों का कॉलेज रिज्वाइन कर लेगा? अच्छा ठीक है, तो ये थी हर्ष से संक्षिप्त बातचीत। उम्मीद है कि जो बच्चे अभी इस बार जेई एडवांस दे रहे हैं, मेन दे रहे हैं, दिए होंगे, उनका आज रिजल्ट आएगा, और शाम को नटसेल में ये कहा जा सकता है कि जिन बच्चों का 99% से ऊपर नंबर आया होगा आएगा, वो बच्चे आश्वस्त हो सकते हैं कि उनका जेई मेन में एक इतने रिस्पेक्टेबल रैंक मिल जाएगी कि उनका कहीं ना कहीं NIT में एडमिशन हो जाएगा, 6 NIT में एडमिशन हो जाएगा। और जिन बच्चों के 99% से ऊपर आ रहा है वो बच्चे निश्चिंत होकर के और JEE एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से ये बात बोल देते हैं कि जिन बच्चों को 97 से 99% के बीच में है, उन लोगों को ये करना चाहिए कि JEE मेन की भी अभी तैयारी करनी चाहिए और एडवांस की भी तैयारी करना चाहिए। एक JEE मेन और वो देंगे तो शायद बूस्टअप हो जाए, जैसे कि मान लीजिए मार्च का दे दे तो मार्च में हो सकता है कि उनका स्कोर बूस्टअप हो जाए। उनको थोड़ा अभी ज़्यादा फोकस JEE मेन पे रखना चाहिए ताकि मार्च में वो इंश्योर हो जाए, अपने आप को कि इंश्योर कर लें कि हाँ हमारा JEE मेन में 6% आ गया और हम अब एडवांस की तैयारी निश्चित रूप से कर सकते हैं। जिन बच्चों का 97% से कम आया है उनको हमारी सलाह ये है कि एडवांस की तरफ लगभग नहीं सोचना चाहिए तब तक जब तक कि किसी भी और दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में उनका JEE मेन में स्कोर 99% के आसपास ना आ जाए, क्योंकि उनका एडवांस पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सलाह दी जाती है कि पहली उनकी प्रायोरिटी JEE मेन की होनी चाहिए न कि एडवांस की, और 90% से किसी का अगर कम है
तो निश्चित रूप से उसको अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए, रीथिंक करनी चाहिए, क्योंकि 90% से कम नंबर आने का मतलब है कि स्ट्रेटजिकली आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। तो ऐसे बच्चों को पूरी ओवरहॉल अपनी प्रिपरेशन को एक बार डिजाइन करना चाहिए, अपने टीचर से बात करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और उनको नए सिरे से लग के अपनी तैयारी को एक नई मंजिल तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। एडवांस को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एडवांस में बहुत अच्छा रैंक अगर ना आए, 4,000, 6,000, 8,000 रैंक आने के बाद भी बच्चे यूजुअली NIT में ही एडमिशन लेते हैं, जेई मेन के आधार पर ही एडमिशन लेते हैं, क्योंकि उनको अच्छे अपने पसंद के सब्जेक्ट नहीं मिलते। कॉलेज तो मिल जाते हैं लेकिन सब्जेक्ट नहीं मिलते, तो सब्जेक्ट के लिए वो NIT ही ज्वाइन करते हैं। वो पॉलीमर साइंस में या टेक्सटाइल में जाने की बजाय वो कंप्यूटर साइंस किसी NIT से पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में 12,000-14,000 रैंक आने का भी कोई मतलब नहीं है। और ऐसा देखा गया है कि 600-700 रैंक लाने वाला भी IIT JEE एडवांस का बच्चा जो है वो किसी या तो NIT में एडमिशन लेता है या बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, क्योंकि उसको कंप्यूटर साइंस IITs में जो टॉप IITs हैं उनमें मिलता नहीं है। तो उसका कोई मतलब नहीं है कि आप JEE एडवांस पे अपना समय जाया करें। 90% से कम नंबर है और तो आप अपनी JEE मेन के लिए ही फोकस करें, एडवांस का सपना भूल जाए। और जिन लोगों को 97 से 99% के बीच में आ रहा है वो तब तक JEE मेन के लिए फोकस करें ज़्यादा, जिनका कि JEE मेन पे फोकस करें जब तक कि वो इंश्योर ना हो लें कि उनकी 99% आ गई है, और साथ में वो JEE एडवांस की भी तैयारी करें बट मेन पे फोकस करें ताकि जल्दी से जल्दी वो अपने टारगेट को अचीव कर लें। ये सब कुछ अपनी तरफ से हमने बातें कह दी है, इन सब बातों के साथ आज का ये वीडियो खत्म करता हूँ और उम्मीद है कि जो छात्र इसे देखेंगे और उनके अभिभावक इससे बहुत सारे लाभान्वित होंगे। यह एक सलाह है, कोई बाध्यकारी नहीं है, बाकी आप छात्र और अभिभावक अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। हमारा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हमने ये बात कही है। ठीक है, थैंक यू हर्ष, थैंक यू वेरी मच।